हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मॉम्स किचन। मैं हूं वसुधा और आज हम बना रहे हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी, आसानी से घर में बनने वाली अमेरिकन स्वीट कॉर्न की सब्जी, वो भी व्हाइट ग्रेवी में। बारिश का मौसम चल रहा है और मार्केट में भुट्टे इजीली अवेलेबल होते हैं और बहुत ही अच्छे भी मिलते हैं, तो मैंने यहाँ लिया है स्वीट अमेरिकन कॉर्न। आप चाहें तो देसी भुट्टों की भी सब्जी बना सकते हैं, पर ये सब्जी इन्हीं स्वीट कॉर्न से अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैंने स्वीट कॉर्न का ऊपर का छिलका उतार दिया है और अब हमें इसमें से इसके दानों को निकालना है। तो अगर आपके पास स्वीट कॉर्न पिलर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से जो छीलने वाला चाकू होता है उससे भी इसके दानों को निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, जिस तरह मैं इन भुट्टों के दानों को निकाल रही हूँ, आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके से भुट्टे निकालने से इसकी एक लाइन जरूर थोड़ी खराब होती है, लेकिन बाकी के दाने एकदम सही निकलते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं तीन भुट्टों के दानों को निकाल कर अलग कर लूंगी। तो देखिए कितनी आसानी से ये दाने निकल कर तैयार है। अब हम इसकी बनाएंगे सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए हम इन दानों को थोड़ा सा बॉईल करेंगे। तो मैं इन दानों को एक कढ़ाई में डाल रही हूँ। कढ़ाई को गैस पे रखेंगे, गैस ऑन करेंगे और उबालने के लिए मैंने इसमें डाला है एक गिलास पानी। अब कढ़ाई को कवर करके इसे कम से कम 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। तो लीजिए, 5 मिनट में स्वीट कॉर्न बॉईल होकर बिल्कुल तैयार है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन दानों में से पानी को अलग कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सारे दानों को पानी से निकाल लिया है। अब हमें बनानी है इसके लिए व्हाइट ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच घी, 1 टुकड़ा तेजपत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी और 1/4 चम्मच बड़ी इलायची का पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी कटे हुए प्याज, 2 लहसुन, 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक, 4 चम्मच खरबूजे के बीज और लगभग 2 चम्मच काजू की टुकड़ी। अब इन सभी को 1 मिनट के लिए हम गैस पर मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी और पानी डालकर इसे हम ढककर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे और प्याज के ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए, पानी भी सूख गया है और प्याज अच्छी तरह से पक भी गए हैं। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे और मिक्सर जार में डालकर इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो लीजिए, व्हाइट ग्रेवी के लिए पेस्ट बनकर तैयार है। तो अब हम ग्रेवी को फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में डाला है 2 चम्मच घी, आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं, और 1 चम्मच बटर। और अब हम इसमें डालेंगे व्हाइट ग्रेवी का पेस्ट। जार में थोड़ा पानी डालकर हम इस पानी को भी इस कढ़ाई में डाल देंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए थोड़ा सा पकाएंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी पान मेथी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। अब इन सभी मसालों को ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कटोरी मीठा दही और 2 कटोरी दूध। अब मीडियम फ्लेम पर लगातार इसे चलाते हुए हम ग्रेवी को अच्छी तरह से पकने देंगे। तो ये देखिए, ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से पक गई है और घी और बटर ऊपर आने लगा है। तो हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस ग्रेवी को और खास बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1-2 बूंद केवड़ा एसेंस। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और 2 मिनट के लिए ढककर इसे पकने दीजिए। तो लीजिए, घर में ही आसानी से बनकर तैयार है हमारी शादी पार्टी और रेस्टोरेंट जैसी व्हाइट ग्रेवी स्वीट कॉर्न। तो इस रेसिपी को बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।